Thank you.
Yeah.
हाँ संक्रांति, संक्रांति का मतलब है आज कुछ तो भी नवीन होना। आपके अंदर कुंडलिनी का जागरण हो गया और आप पहले ही से नवीन हो गए, लेकिन संक्रांति के दिन अब ये जान लेना चाहिए कि अपने अंदर बैठी हुई देवी जो है उसे खुश करना। उसको खुश करने के लिए क्या करना चाहिए? तिल और गुड़ दिया, ये होता है प्यार के लिए, आपस का प्यार बढ़ाने के लिए तिल और गुड़ देते हैं। और आज सूर्य अपना स्थान छोड़ के उत्तरायण में हमारे पास आया। इस वक्त हमें उससे बहुत धन्यवाद देना चाहिए, उसकी कृपा से अपने देश में न जाने क्या क्या होता है। आज सबको सूर्य को नमस्कार करना चाहिए और उसकी शक्ति, उसका ज्ञान और प्रकाश हमारे अंदर आना चाहिए। मैं तो यही कहूंगी कि तुम लोग सब जागृत हो गए हो, तुम्हारे अंदर चैतन्य बह रहा है। अब इस चैतन्य को इस्तेमाल करो, अपने अंदर शक्ति लाओ और अपने अंदर शांति लाओ और दुनिया को बताओ कि अपने ही अंदर ये शक्ति है और इसे हमें प्राप्त करना। अपने गुणों से और अपने सत्य वचनों से इसे पनपाओ, इसे बढ़ाओ। आज का दिवस विशेष होता है कारण सूर्य का आज विशेष उपकार हमारे ऊपर है। इसके लिए धन्यवाद होना चाहिए। आपको बहुत कुछ मिला है और भी मिलना, बहुत मिलेगा, इसको बढ़ाना चाहिए। और इतनी पूजा आपने मेरी करी है, मैं तो हैरान हूँ कितनी मेरी पूजा करके आप क्या चाहते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप बड़े भारी सहयोगी बन जाए और हजार रोल लोगों को इस दुनिया में सन्मार्ग में लगा, अच्छाई सिखाएं और अपने अंदर उस शक्ति को एहसास करें जो आपके अंदर बह रही है। आप सबको देखकर मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। तो अब हम चलें? ये सब अंदर पहुंचा देना।
Thank you.
Yeah.